मयूरेश जोशी एंजल ब्रोकिंग से भी मेरे साथ जुड़े हैं। मयूरेश शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज जीएसटी का एक बड़ा ट्रिगर है, हम तो खैर कल से ही दर्शकों के सामने ऐसी कंपनीज रख रहे हैं जो कि टेंटेटिव सोर्सेस से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कहां पे दरें कम हो सकती हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, आज किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें, ये प्लाईवुड वाली कंपनियां, तार वाली कंपनियां, किचन अप्लायंसेज, इस सब पे दे सकते हैं ना आज भी ध्यान? उम्मीद तो है कि गुजरात इलेक्शन से पहले एक बड़ा तोहफा होगा मोदी सरकार की तरफ से। मॉर्निंग डिम्पी जी, आई थिंक जो जीएसटी के रेट्स में एक रिविजन आने की एक संभावना है, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक प्लाईवुड मेकर्स, सेरामिक मेकर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स, जो आई थिंक फैंस की आप बात कर रहे हैं, शायद एसी रेस्टोरेंट्स जहाँ पे जीएसटी 18% से 12% तक घट सकता है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर होगा। हालांकि आई थिंक ग्लोबल संकेत थोड़े खराब है, बट आई थिंक चुनिंदा आई थिंक स्टॉक्स जिनके आई थिंक मार्केट लीडरशिप पोजीशंस हैं, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से मोट इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया है कि कॉम्पिटिशन में कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, यू कैन जस्ट रिकॉल देयर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, तो मेरे ख्याल से येस आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सेंटिमेंटल पॉजिटिव मूव, बट डाउन टिक्स शायद आ सकते हैं मार्केट में, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप लें तो आई थिंक बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो यस, वी रिमेन बुलिश ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स, सिलेक्टिव प्लाईवुड एंड सिलेक्टिव सेरामिक मेकर्स। मयूरेश अरविंदो के नंबर्स वैसे तो ठीक हैं, लेकिन मार्जिन को लेकर थोड़ी सी चिंता है, आप कितने मार्क्स देंगे अरविंदो में अगर मेरे को आज ट्रेड करना हो तो? नहीं, काफी ठीक ठाक नंबर्स है दिन भी, और मेरे ख्याल से आई थिंक आउट ऑफ ऑल द फार्मा कंपनीज आई थिंक रेगुलेटरी इश्यूज न होने के कारण जो हम ग्रोथ ही कंपनी में देख रहे हैं आई थिंक वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल है। हालांकि रेनवेला ने आई थिंक काफ़ी सपोर्ट की थी यूएस बिजनेस की, आई थिंक दैट शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग, क्योंकि जो इनका इंजेक्टेबल्स का कारोबार है, यहाँ पे 17 से 18 लॉन्चेस मैनेजमेंट होप कर रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, और इनके जो दो एक्विजिशंस है एक्टिविस्ट और नेटरॉल, दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक थोड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने मिल सकती है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी इश्यूज हैं, ठीक है, लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डी हो, शायद थोड़ी स्ट्रक्चरल पोजिशनिंग और बिंदु की तरफ हो सकती है। मयूरेश SRF कमजोरी दिख रही है आपको, नंबर्स अच्छे नहीं है? हाँ, थोड़ी डैम्पनेस है नंबर्स में, और मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा वीकनेस स्टॉक पे बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं, तो यस आई थिंक द स्टॉक कैन एक्चुअली गेट बीटन डाउन। ठीक है, टाटा मोटर्स पे मयूरेश आपकी रिकमेंडेशन? नहीं, बाय रेटिंग बरकरार रहेगी, क्योंकि जैसे नतीजे आए थे मेरे ख्याल से आई थिंक एक अर्निंग्स अपग्रेड जरूर देखने मिलेगा, कंसोलिडेटेड मार्जिन बेहतर थे, डोमेस्टिक मार्जिन बेहतर थे, JLR मार्जिन आई थिंक अनुमान से बेहतर थे, एंड यस आई थिंक थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स इन टर्म्स ऑफ जैसे साक्षी बता रही थी थोड़े टिकीनेस रह सकती है, बट नए प्लेटफॉर्म्स आने की आई थिंक कंपनी बिल्कुल कोशिश कर रही है JLR फ्रंट पे। ठीक है, मयूरेश कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स को आप बाय करें, नंबर्स ठीक है, सेलर्स से भी कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ अल्लाह। हमने पेज इंडस्ट्रीज पे अच्छा मूव देखा, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बहुत अच्छा था। मयूरेश आप कैसे व्यू कर रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज को? हमेशा बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनरवेयर मार्केट है 28,000 करोड़ का जो मार्केट एस्टिमेट्स है वो 12% से 13% के रेंज में ग्रो हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो मेंस इनरवेयर से ज़्यादा वुमेन्स इनरवेयर की जो मार्केट साइज है ये बढ़ रही है, और वहाँ पे जो रियलाइजेशन है आई थिंक इट्स अ टैड बिट बेटर, तो आई थिंक जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन पर यूनिट होगी पेज इंडस्ट्रीज के लिए आई थिंक दैट शुड बी फार बेटर। FY17 में 150 रुपये आसपास रिपोर्ट किया था, इट शुड बी ऑलमोस्ट 160 odd rupees, बैलेंस शीट काफ़ी रिच है, हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी रिच है कंपनी के, मुझे लगता है कि 10% की वॉल्यूम प्लस रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी इजिली पोस्ट कर सकती है, तो बिल्कुल होल्ड रेटिंग बरकरार रही, होल्ड रेटिंग है, आप इसको बाय भी कर सकते हैं पेज, एंजल ब्रोकिंग के रिकमेंडेशन आपको। कोचिन शिपयार्ड पे क्या करेंगे, वहां भी हमें एक न्यूज मिल रही है कि सिंप्लेक्स इंफ्रा और कोचिन शिपयार्ड की एक इकाई बनाने की योजना है, 610 करोड़ वहां खर्च किए जाएंगे। मयूरेश आपकी राय कोचिन शिपयार्ड पर? नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त डायनामिक्स है अनीशा, और ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है, जो इनको नई ऑर्डर बुक मिली इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती है, कैश रिच बैलेंस शीट है, जो रिसीवेबल डेज है वो 50-55 दिन के आसपास है, ROEs ROCs मोर देन 15-16 odd%, हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली वेट फॉर डिक्लाइंस, बट हम काफ़ी आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मयूरेश आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की लिस्टिंग होगी, अगर आपको शेयर्स मिले हैं तो क्या करना चाहिए, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये शेयर। बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक है, लेकिन आई थिंक नंबर्स कैसे आते हैं आई थिंक इस पर थोड़ा आई थिंक मोहर लगाना पड़ेगा, तो आई थिंक
नॉट एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट डील ऑफ लिस्टिंग गेन्स इस पे, बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो अमरा राजा बैटरीज की आप बात कर रहे थे सुबह, आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको देखते हैं तो आई थिंक ये शेयर बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि आई थिंक नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और जितना केपेक्स है वो हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है. तो आई थिंक आई एम ओपनिंग एक्सपेक्टिंग अ सॉफ्ट लिस्टिंग फॉर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, बट अमरा राजा इज समथिंग दैट आई बेट ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. रहेंगे मयूरेश, अब आप टेलीकॉम स्टॉक्स पे क्या करेंगे? आज फिर से खबर आ रही है कि रिलायंस जियो ने फिर से बहुत अट्रैक्टिव कैशबैक ऑफर्स दे के आए हैं. कुछ ही दिन पहले माना जा रहा था कि अब ये जो कंपेटिटिव प्रेशर्स हैं कम हो जाएंगे. आपका क्या मानना है टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए? प्राइसिंग प्रेशर्स आई थिंक एक दो क्वार्टर तक आई थिंक बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ अ बेस इफेक्ट. दूसरी बात आप देखें तो आई थिंक जो भी फैक्टर्स अगेंस्ट द इंडस्ट्री है इनकमबेंट्स के लिए, जैसे भारतीय आइडिया हो, हाई लेवल्स ऑफ डेट ऑन द बुक्स, 92,000 करोड़ की डेट है भारतीय के बुक्स पे, अगर हम देखें जो स्पेक्ट्रम कॉस्ट्स हैं अलॉन्ग विद हाई अमाउंट ऑफ केपेक्स एंड ओपेक्स, उसके वजह से ROCs भी डिप्रेस हुए थे भारती के 5.1 पे, बट डेटा ग्रोथ वॉज क्वाइट ह्यूमंगस. 784 बिलियन वॉज समथिंग दैट वॉज कंज्यूम्ड इन द क्वार्टर गॉन बाय, और अफ्रीकन बिजनेस डिड प्रीटी वेल. तो आई थिंक सारे प्रोज और कॉन्स शायद इंडस्ट्री में आई थिंक स्ट्रीट को पता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स में आई थिंक स्टिकीनेस कंटिन्यू रह सकती है, बट द एंटायर प्रीमाइस इज कि कंसोलिडेशन की वजह से आई थिंक देर कैन बी फर्दर ग्रोथ इन 19 एंड 20. IUC और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस के क्या आई थिंक मायने होते हैं विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, आई थिंक उस पर शायद इपिटा पे जोरदार हिट आ सकती है. सो एट दिस लेवल मेरे हिसाब से आई थिंक भारती पे होल्ड किया जा सकता है. आई नॉट बी सजेस्टिंग फ्रेश बाइंग, क्योंकि अभी भी आई थिंक ट्रिगर्स पूरे के पूरे साफ नहीं है, बट येस कंसोलिडेशन इज प्रॉब्ली द की फॉर दिस इंडस्ट्री. सो भारती बिकम्स अ की होल्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ क्लियर बाय फ्रॉम माई साइड.